अब हम बहुपद के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। मान लो एफ ऑफ एक्स बराबर 2x³ + 7x² - 4x + 15 है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि एफ एक्स से गुणा हो रहा है, ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ एक्स से गुणा नहीं हो रहा, बल्कि एफ ऑफ एक्स ये बताता है कि एक फलन, ये एक गणितीय संबंध है। क्या है? गणितीय संबंध जो किसी चर x द्वारा स्थापित हो रहा है। ये एक गणितीय संबंध है f, जो किस चर से ऑपरेट हो रहा है, x द्वारा स्थापित हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे y होता तो y द्वारा होता, फिर x की जगह सब जगह क्या होता, y y y y होता है ना। अब ऊपर दिए गए फलन f ऑफ x में एक संबंध जो गणितीय संबंध है वो उसको आरोपित कर रहा है ना। ये जो फलन है ये एक फलन को, एक गणितीय संबंध को आरोपित कर रहा है, जिसमें x के बहुत सारे मान हो सकते हैं, कुछ भी रख लीजिए आप, x1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, बहुत सारी अनगिनत मान आप रख सकते हैं, ठीक है। तो अतः x के, जैसे आप x का एक मान रखोगे तो इस पूरे समीकरण का एक पूरा मान अलग आ जाएगा, जो f ऑफ x का मान हो जाएगा, ठीक है। जैसे f ऑफ x बराबर 2x³ + 7x² - 4x + 15, ठीक है। तो अगर x बराबर 1 है तो हमने x बराबर 1 रख दिया, तो हमने इस तरह से x की जगह 1 रख दिया, 1² - 4×1 + 15, तो ये कितना आ गया, f ऑफ 1 बराबर 20 आ गया, ठीक है। अब अगर x = -1 रखोगे तो यहाँ पे -1 अपन ने पुट किया, तो -2 + 7 + 4 + 15 कितना आ जाएगा, 24। तो -f(-1) यानी जो x = -1 रखा था उसके मान के लिए मेरे पास फलन जो आया, ये जो गणितीय संबंध आया ये वाला, इसका मान, इस संबंध का मान कितना आया, 24। x = 0 लिया तो f(0) यानी x के 0 मान के लिए मेरे पास फलन का मान आया 15, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, है ना, किस प्रकार का ग्राफ, कुछ इस प्रकार का देखिए, जिसमें मैं x अक्ष पर मैं सारे x के मान रखूँगी और y अक्ष पर मैं सारे f ऑफ x के मान रखूँगी, ठीक है। x अक्ष पर सारे x के मान, y अक्ष पर सारे f ऑफ x के मान, ठीक है। तो जैसे f ऑफ 1 लिया था तो f ऑफ 1 था हमारे पास 24, तो f ऑफ 1 हमने कितना ले लिया, 24 ले लिया। तो देखिए 1 के समकक्ष जो जो मान आ जाएगा वो मेरा 24 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1 के समकक्ष मेरा मान है 20, सॉरी, तो 1 के समकक्ष मेरा मान 20 है, तो x अक्ष पे तो मेरा मान है 1, तो मैंने 1 लिया, और f ऑफ 1 मेरे पास कितना था, 20। ये देखिए f ऑफ 1 ये कितना है मेरे पास, 20 है, ठीक है। तो मैं f ऑफ 1 के मान 20, तो मैं किसके समकक्ष लूँ उसको, 20 के समकक्ष, तो ये मेरा बिंदु बन जाएगा 1 और 20, ठीक है। ऐसे ही मैंने f ऑफ -1 लिया तो f ऑफ -1 मेरे पास कितना है, 24, तो -1 किधर आएगा, x अक्ष पर, इधर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इधर सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये f ऑफ -1 हुआ, तो ये 24 के समकक्ष जाएगा, तो ये 24 के समकक्ष यहाँ बन जाएगा, ठीक है। और f ऑफ 0 मेरे पास कितना है, 15, तो मैं यहाँ पे है ना f ऑफ 0 मैं कितना लूँगी, 15। ये अब इन तीनों बिंदुओं को मैं मिला देती हूँ, तो देखिए ये जो रेखा आ रही है ना, C से A और A से B, ये मेरे फलन को प्रदर्शित कर रही है, ये पूरा कर्व मेरे फलन को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो इसी संबंध के लिए मैं किसी भी फलन के लिए मैं इस प्रकार का ग्राफ खींच सकती हूँ। आप किसी भी फलन के लिए इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें x अक्ष पर x का मान हो और y अक्ष पर f ऑफ x का मान हो, ठीक है। अब मैं एक और है ना संबंध लेती हूँ, f ऑफ x बराबर x² - 4। तो आप x = 2 लोगे तो आपके पास में f ऑफ 2, अगर आप 2 मान रखोगे x का तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2² तो 4 - 4 = 0। फिर उसके बाद -2 रखा आपने, एक और मान रख रहे हैं x = -2, तो ये हो जाएगा f ऑफ -2, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए -2² - 4 = 0, तो ये भी कितना आ गया, 0 आ गया। अब मैं x = 0 पुट कर रही हूँ तो 0 - 4 कितना आ गया, -4। 1 पुट कर रही हूँ तो कितना आ गया, -3। -1 पुट कर रही हूँ कितना आएगा, वापस -1² हो जाएगा तो वापस -3 आएगा। 3 रखूँगी तो कितना हो गया, 9, 9 - 4 = 5।
माइनस तीन रखूँगी तो भी पाँच, तो मेरे पास इस तरह से बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। यानी तीन एक्स के मान तीन के लिए पाँच, माइनस तीन के लिए भी पाँच, ठीक है, दो के लिए ज़ीरो, माइनस दो के लिए भी ज़ीरो, ज़ीरो के लिए माइनस चार, तो ये मैंने इस तरह से यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर ज़ीरो के लिए आपका मान था माइनस चार, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि ये जो सारे बिंदु हैं मैं अपने ग्राफ में प्लॉट करना चाहूँगी, तो वो किस प्रकार प्लॉट होंगे देखिए। यहाँ पर x इजक्वल टू दो था, x इजक्वल टू दो के लिए मुझे एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्राप्त हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस चार मेरा फलन है, उसको मैंने कहाँ लिया y अक्ष पढ़ लिया, और x का मान x अक्ष पर पढ़ लिया। अब x इजक्वल टू वन रखूँगी, तो वन रखूँगी तो यहाँ पे वन स्क्वायर माइनस चार कितना होगा माइनस तीन, तो इसका मतलब y अक्ष पर मैं इसको किसके समकक्ष ले जाऊँ माइनस तीन के समकक्ष, तो मैं इसको y की वन x इजक्वल टू वन के समकक्ष मैं यहाँ माइनस तीन के सामने आ गई, तो यहाँ से वन यहाँ से माइनस तीन, ठीक है। ऐसे ही x बराबर दो, तो x बराबर दो पुट किया तो कितना मान आया शून्य मान आया, इसका मतलब x बराबर दो के लिए मेरे पास इस अक्ष पर कहाँ मान होगा ज़ीरो पर, तो दो तो यहाँ ज़ीरो यहाँ, तो इसके समकक्ष इसकी सीध यहाँ पे आएगी, तो ये दो और ज़ीरो यहाँ बन गया। x इक्वल टू तीन के लिए कितना होगा पाँच, तो तीन यहाँ और पाँच किधर यहाँ पर, तो पाँच का समकक्ष तीन के लिए यहाँ पर मान प्राप्त होगा, ठीक है। तो तीन और पाँच बिंदु यहाँ पर आए, ठीक है, और दो और ज़ीरो यहाँ पर आए, ठीक है। ऐसे ही x इक्वल टू माइनस दो के लिए, माइनस दो के लिए मेरा मान कितना होगा वापस शून्य, माइनस दो इधर और शून्य किधर होगा, क्योंकि y अक्ष पर तो शून्य मान किधर होता है हमेशा ओरिजिन पे, तो शून्य मान इधर ही चलेगा हमारा, क्योंकि उससे शून्य से बड़ा है ही नहीं, तो ये मान ये बिंदु मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ दो और ज़ीरो प्राप्त हुआ था ऐसे यहाँ माइनस दो और ज़ीरो प्राप्त होगा, ठीक है। ऐसे ही माइनस तीन, माइनस तीन के लिए मेरे को कितना मिला था पाँच, तो मैं पाँच के समकक्ष माइनस तीन की सीध यहाँ ले लूँगी, पाँच की सीध यहाँ ले लूँगी। अब मैं इन सबको मिलाती हूँ, अब ज़ीरो भी रखा था हमने, है ना, एक्स इक्वल टू ज़ीरो के लिए कितना आएगा माइनस चार, तो मैं ज़ीरो यहाँ, एक्स का मान ज़ीरो यहाँ, लेकिन वाई पर कहाँ है वाई अक्ष पर माइनस चार, तो मैं माइनस चार यहाँ पहुँच जाऊँगी। अब इस ये जो सारे ये बिंदु मिल गए, इस बिंदु को सबको मिला दीजिए, ठीक है। ये सब आपने बिंदु मिला दिया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस चार, इसके लिए ये एक वक्र प्राप्त हो गया मुझे ग्राफ पर, और इस प्रकार एक्स अक्ष पर मुझे दो मान प्राप्त हुए एक्स के, एक्स बराबर दो और एक्स बराबर माइनस दो, जहाँ फलन का मान क्या था शून्य था, और एक्स के इन्हीं मानों को हम क्या कहते हैं शून्यक, इसलिए हम बोलते हैं कि एक्स का वह मान जिसके लिए ये जो फलन का मान है वो शून्य हो जाए। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक्स का ऐसा हर मान एक्स अक्ष पर ही प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए जो आप हमने जो बुक में जो हमें दे रखी है परिभाषा कि उसके लिए हमें शून्य मान प्राप्त होगा, वो इसीलिए दे रखी है, ठीक है। तो x इक्वल टू दो और x इक्वल टू माइनस दो के दो शून्यक होंगे, ये बिंदु x अक्ष पर प्राप्त होंगे, तो स्वयं ही x के इन मानों के लिए f ऑफ x का मान ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए शून्यक वह संख्या है जिसके लिए x का मान इस प्रकार हो कि फलन f ऑफ x शून्य हो जाए, ठीक है। अब क्या है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद मान लीजिए p ऑफ x इक्वल टू ज़ीरो है, एक ऐसा फलन है जिसमें हर एक का मान ज़ीरो है, तो p ऑफ x को हम कैसे कल्पना कर सकते हैं। मान लीजिए ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो इंटू एक्स प्लस ज़ीरो, कुछ भी मान सकती हूँ, कितने भी घात का मैं फलन मान सकती हूँ, हर बार अगर x की घात सात से भी चालू करोगे तो भी ज़ीरो इंटू एक्स की घात तो तब भी ज़ीरो हो जाएगा। तब आप इसमें x का मान कुछ भी रख लो, हज़ार भी रख लोगे तो भी क्या होगा हज़ार इंटू हज़ार, पर ज़ीरो से गुणा हो रहा है, ज़ीरो इंटू हज़ार वापस ज़ीरो, तो इसका मतलब कितने मानों के लिए ये मान ज़ीरो हो सकता है, अनगिनत मानों के लिए, अनगिनत मानों के लिए जो शून्य बहुपद है उसका मान शून्य प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हर वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होगी, यानी आपको इसके लिए शून्य बहुपद के लिए अनगिनत शून्यक प्राप्त हो जाएंगे। जैसे x बराबर 100 रखा तो वो ज़ीरो आ गया, 1000 रखेंगे तो भी इस सब का मान कितना आएगा ज़ीरो ही आएगा, ज़ीरो इंटू 1000 स्क्वायर प्लस ज़ीरो इंटू 1000 प्लस ज़ीरो वापस ज़ीरो, ठीक है। तो ये हमारा एक मुख्य बिंदु था, है ना, और एक मुख्य बिंदु ये है कि अगर एक शून्य के अलावा अचर बहुपद है जैसे क्यू एक्स बराबर दो, यानी हमारे फलन में x के हर एक मान के लिए मुझे इस फलन का मान संबंध का मान दो ही प्राप्त हो रहा है, तो अब ये x पे तो निर्भर कर नहीं रहा, x का मान कुछ भी रख लो आप, एक करोड़ भी रख लोगे तो भी क्या होगा वो दो ही प्राप्त होगा, हर मान के लिए x के हर मान के लिए मुझे बिंदु दो ही प्राप्त हो रहा है, तो क्या ये कभी ज़ीरो होगा,
नहीं। तो जब ही कभी जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब हर अचर बहुपद के लिए शून्यक नहीं होता है, कोई शून्यक होता ही नहीं है, ये आपके प्रश्नों में आ सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। जैसे Q2 बराबर 2 है तो Q1 बराबर भी 2 रहेगा, Q2 बराबर भी 2 रहेगा, x का मान कुछ भी रख लीजिए, यहाँ पे 0 भी रख लेंगे तो भी 2 ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये सीखा कि किस प्रकार हम ग्राफ बनाते हैं, किसी भी फलन के लिए हम बिंदु प्राप्त करते हैं, फिर उसका ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ में हमें 0 कहाँ मिलते हैं, उस ग्राफ में हमें जो एक्स अक्ष पर जो 0 है वो कहाँ मिलता है, ये देखिए है ना, उसे हम उसके शून्यक कहते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि शून्य जो बहुपद होगा उसमें अनगिनत हर वास्तविक संख्या उसका शून्यक होगी, जबकि अचर बहुपद में एक भी शून्यक नहीं होगा। यहाँ एक्स अक्ष पर ग्राफ कितनी बार भी काटे, देखिए जैसे मान लीजिए एक ग्राफ है जो इस तरह से चल रहा है, 1, 2, 3, अगर 3 बार उसने एक्स अक्ष पर काटा तो इसका मतलब उसके 3 शून्यक होंगे। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुपद की यह अभिलक्षित गुण समझ में आए होंगे। थैंक यू।